टीचर्स डे के मौके पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हारून रशीद उर्फ बबलू ने टीचर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुर्ला पश्चिम के कई टीचरों को उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें ट्रॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस मौके पर वार्ड क्रमांक 167 में मौजूद अबू शेख खान अजहर, खान अफजल, मोहम्मद शफी अंसारी, शादाब कुरैशी, अब्दुल शेख, रियाज खान सहित कई कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष जहीर काजी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हारून रशीद को शुभकामनाएं दी। बड़ी तादाद में टीचर्स आए और मुझे बताया गया कि ये ज़्यादातर टीचर उर्दू मीडियम स्कूल के भी हैं, थोड़े बहुत अंग्रेजी मीडियम के भी हैं। और टीचरों का हौसला अफजाई करना हमारा अखलाकी फर्ज बनता है और ये इस दिन के लिए बड़े इंतज़ार में हमारे टीचर रहते हैं। हमने भी अंजुमन में प्रोग्राम किया था 4 तारीख को, क्योंकि ये संडे आ रहा है तो एक दिन पहले कर रहे हैं। और ये ऐसा भी है कि टीचरों के बारे में जो हमको सोचना है, जो भी जिम्मेदार है, जैसा एक मैं मिसाल दे रहा आपको, यहाँ पे इस्तांबुल में टर्की में मैं गया था, वहाँ पे टीचरों के लिए बहुत बड़ी कैंपस बनाया गया है, उसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी उसमें है और जो अभी एक्टिव है वो भी वहाँ है, तो उनकी वेलफेयर के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है। और फिर वो रिटायर होने के बाद भी जो एक्सपर्ट टीचर है वो ऑनररी करके हफ्ते में एक दो बार आके अपने स्कूलों में जाके अपना लेक्चर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और अंजुमन ने ये तय किया है कि हमारा जो माथेरान में प्रॉपर्टी है वहाँ कोशिश में लगे हैं कि वहाँ पे एक रिक्रिएशन सेंटर बनाया जाए टीचर्स के लिए और साथ साथ वो अपग्रेडेशन ऑफ देयर टीचिंग के लिए भी। और वैसे भी हमारा जो पंचगनी में पब्लिक स्कूल है वहाँ पे हम हमारे टीचरों को ले जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, ताकि उनको भी एक हॉलीडे का कॉन्सेप्ट उनको मिले, फ्रेश हो जाए। ये आजकल इतना ही हो रहा है कि टीचर्स से मना कि एक बोलते ना कि आपने को एक मनाने का है तो मना लिया हम, उसका मतलब ये नहीं, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए। इसमें नई नई कुछ तो चीज़ें करनी है, जैसे हमने तय कर लिया कि हम हमारे पुराने जो टीचर्स रिटायर हो गए और वो रिटायर होने के बाद एक्टिव है, तो उनको कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना होगा। जो अच्छे टीचर हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, तो उनको भी थोड़ा रेम्यूनरेशन होगा और बच्चों को भी फ़ायदा होगा, तो कनेक्ट हो जाएगा। और जो टीचर रिटायर होकर गए और उनके कुछ मसाइल होंगे तो उनको उनकी तरफ ध्यान देना होगा। और इसलिए हम हमारे एक एलुमनाई बना रहे हैं अंजुमन के सब इसका, जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको हमारे टीचरों से जोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं हमको उनके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ ये कहने के लिए कि आप अच्छे पढ़ाइए, आप पुराना है, ये हमारे तरफ से क्या होगा। और टीचरों के लिए भी उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें टीचर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और वो क्लासरूम में बैठ के पढ़ाने का कॉन्सेप्ट चला गया है, तो नई नई टेक्निक्स है तो उनको सीखना पड़ेगा, जो हम भी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अभी दुनिया बदलते जा रही है, एक दौर में डॉक्टर था, बड़े से बड़ा डॉक्टर उसको कंप्यूटर सेवी नहीं था, आज हर डॉक्टर को कंप्यूटर आता है और वगैरह वगैरह सब चीज़ें सीखना पड़ती है, नई नई चीज़ें, इस तरह टीचरों को भी सीखना चाहिए। इसके अलावा हारून जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि आज टीचर्स भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गए हैं जिस तरह से जो माहौल चल रहा है। मुबारकबाद देता हूँ कि टीचरों के हौसला अफजाई के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम रखा मंत्र किया बहुत अच्छी बात है, और ये बात प्रोग्राम तक ही मत रखिए, उनकी भलाई के लिए ज़रा सोचते जाइए। जो कुछ टीचर ज़रूरतमंद भी होते हैं, अच्छे टीचर हैं लेकिन ज़रूरतमंद हैं, हालात बराबर नहीं करती है, टीचर को सम्मानित करो। हमने जो कुछ सीखा उनसे सीखा, वो तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये मौका फराहम हुआ। टीचर्स डे का दिन जब याद आता है बचपन की, तो एक दिन ऐसा होता था कि एक बच्चा खुद टीचर बन के आता था और बच्चे लोगों को सिखाता था, बताता था। आज वो जज्बात लेके मैं इनके बीच में आया हूँ।
और ये भी मुझे सिखाया एक टीचर ने, और इंशाल्लाह मैं भी इनसे वादा करता हूँ कि तालीमी निज़ाम में जो कुछ भी मुझसे होगा, जितना मैंने पहले किया इंशाल्लाह उससे ज़्यादा उस पर करेंगे। और ये मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसमें मेरा साथ दें, आप लोग भी साथ दें, मीडिया भी साथ दें, और सारे टीचर्स भी मेरा साथ दें। सर हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि किसी तरीके से कुछ नाइट स्कूल चलाएं, जो बच्चे घर में बैठे हैं उसका कुछ ट्यूशंस का ये सब इंतज़ाम करें, ऐसा हम लोग कुछ एक स्कीम चलाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं इंशाल्लाह। इस यौम असातिज़ा के मौके पर जो हमारी असातिज़ा की जो हौसला अफजाई की गई है ये बहुत सराहना है, और इस ताल्लुक से हम बबलू भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार, तमाम लोग शुक्रगुजार है, और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, इसके लिए हम नई ख्वाहिशात देते हैं और आगे के लिए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। समाज के लिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि टीचर को सम्मानित किया जाए, और हमने ये भी कोशिश की है कि हमारे इलाके की कोई टीचर ना छूटे, और सब टीचरों ने हमारे बुलाने पर आए, हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बबलू भाई जब चुन कर आएंगे तो इनके मसले मसाइल को हल करेंगे, और जो भी स्कूलों में बुनियादी चीज़ों की कमी है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ये हम लोग आपसे वादा करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से।